पाने आम में आई दरारें, मानक से अधिक धमक की वजह से आई दरारें। दीवाने आम की छत पर 2 से 6 mm की आई दरारें। रिहर्सल के दौरान तेज आवाज में बजाए गए स्पीकर। यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानकों को रखा गया ताक पर। G20 मेहमानों के लिए आयोजित किया गया था कार्यक्रम, जिस दौरान मानकों को ताक पर रखकर रिहर्सल के दौरान तेज आवाज में स्पीकर बजाई गई। आगरा के किला के दीवाने आम में दरारें आई हैं। संवाददाता देवेश उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, आखिर क्या वजह है कि आगरा किला के दीवाने आम में दरारें आई हैं? देखिए, जिस समय G20 अतिथियों का स्वागत आगरा किले में किया जा रहा था, उस समय जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहाँ दी जा रही थी और मेहमान ताली बजा रहे थे, उसी समय जो विश्व धरोहर है उसकी दीवार दरकती जा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, यूनेस्को द्वारा जो निर्धारित जो डेसीबिल की सीमा है म्यूजिक की, वो 40 डेसीबिल तक थी, लेकिन उससे कहीं अधिक मानक को ताक पर रखकर उससे कहीं अधिक डेसीबिल पर जो तेज धमक का म्यूजिक बजाया गया, जिसकी वजह से 2 से 6 mm की दरारें आगरा किला के दीवाने आम की छत पर देखी जा रही हैं। हालांकि अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके चलते विश्व धरोहर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से विश्व धरोहर है और ताजमहल को संजो कर रखा जाता है, और यही वजह है कि डेलीगेट्स को सबसे पहले आगरा बुलाया गया और उन्हें ताजमहल का दीदार कराएगा, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आगे कोई क्षति आती है, किसी प्रकार की क्षति होती है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखिए, पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी ASI विभाग की है, जिस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो यूनेस्को द्वारा जो निर्धारित मानक है उससे कहीं अधिक डेसिबल पर म्यूजिक बजाने के लिए धमकी और जो उनको अनुमति कैसे दी गई और उस दौरान उन्हें क्यों नहीं रोका गया, इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी ASI की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 से 6 mm की दरारें जो इस दीवाने आम पर आई हैं, ये इनको भरना ASI के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ये छत पर दरारें, सारी जितनी भी दरारें हैं ये सारी छत पर दरारें आई हैं, और इसको भरने का काम भी ASI के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।